दोस्तों नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। मैं आपका बबलू वर्मा चंदन रेडियो यूट्यूब चैनल से। जैसे ही आपने पहला वीडियो देखा तो आज मैं तैयार हूँ दूसरा वीडियो लेकर के। तो आज हम बात कर लेते हैं शॉर्टवेव चैनल की। तो मेरे पास जो ये रेडियो है रामसंस का बॉर्डर लाइन 856 रेडियो, तो इसके अंदर अभी जो मैंने ट्यूनिंग किया यानी कि दोपहर के समय यानी कि 2:15 बजे का टाइम है, ये हमने ट्यून किया शॉर्टवेव, दो नंबर पे शॉर्टवेव दिया हुआ उसमें। तो आपको दिखाते हैं कि इस समय जो है किसी भी चैनल का नेटवर्क नहीं आ रहा है। जैसे ही शाम या सुबह सुबह का 6 बजे का टाइम होता है, सुबह के 6 बजे या शाम के 6-7 बजे ठंडा मौसम होता है, तो क्या है कि ये शॉर्टवेव पर 19 मीटर बैंड पर चाइना रेडियो इंटरनेशनल, ये जो मैंने अभी पहले वीडियो में आपको बताया कि मीडियम वेव पे भी 16,000 किलो हर्ट्ज़ पर चाइना रेडियो इंटरनेशनल चलता है, जिसका सिग्नल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बिल्कुल बढ़िया चलता है। तो ये जो है मतलब 2-4 घंटे का प्रसारण देते हैं, मैंने इसको बाद में कभी चलते हुए नहीं देखा। और इस टाइम भी जो है इसका नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो ये सुबह शाम शायद अपने टाइम के हिसाब से देते हैं प्रसारण, तो उस समय इनका जो सिग्नल आता है तो ये मीडियम वेव और एफएम और शॉर्टवेव, एफएम पर नहीं आता, शॉर्टवेव पर आता है इसका नेटवर्क। शॉर्टवेव पर ये 19 मीटर बैंड पर, 25 मीटर बैंड पर और 31 मीटर बैंड पर, यानी कि ये 3-4 जगह पर जो है चल जाता है अलग अलग बैंड के हिसाब से। तो उस टाइम जो है ये सेम सिग्नल चलता है, इन तीनों पर ब्रॉडकास्टिंग करते हैं जो अलग अलग केंद्र इनके बने हुए हैं। तो उसके बाद में एक बार दोपहर को मैंने इस पर इंडिया का एक चैनल, शायद गुजरात का था या पता नहीं कहाँ का था शॉर्टवेव पर, वो एक ही चैनल जो है इंडिया का इस पर चलता है। तो बाकी अदरवाइज़ मैंने इस पर शॉर्टवेव पे इंडिया का कोई भी चैनल फ़िलहाल, काफ़ी बार मैंने इसमें सर्च किया तो इंडिया का कोई भी चैनल और दूसरा जो है वो नहीं है, इस पर नहीं चलता है। सारे चैनल इंडिया ने तकरीबन, अगर कोई है दूर का है तो हो सकता है ये रेडियो कवर ना करता हो उस नेटवर्क को, तो इस वजह से वो ना चलता हो। और कोई भी चैनल इस पर नहीं चलता है। बाहर के जो अमेरिका, BBC लंदन वगैरह जो है, कुछ चैनल जो है वो बाहर के इस पर चलते हैं, हमें सुनाई नहीं देते, मतलब उनकी आवाज़ जो है हमें समझ नहीं आती है। या चाइना के चैनल चलते हैं इस पर कुछ, या पाकिस्तान के भी कुछ इस पर जो अभी चैनल है पाकिस्तान के कुछ पड़े हैं तो वो इस पर कभी कभार चल जाते हैं। बाकी बाहर के चैनल जो हैं, अगर आप कोई सुनना चाहें BBC लंदन वगैरह के या अफ़गानिस्तान के, कजाकिस्तान के, इधर के चाइना मतलब पाकिस्तान साइड वाले, इधर साइड के इसमें जो है चैनल जी ये कवर कर लेता है अभी भी शॉर्टवेव पर। बाकी अगर आप हिंदी चैनल को भी सुनना चाहते हैं तो वो आपको मीडियम वेव या FM पर ही सुनने को मिलेंगे, यानी हालांकि FM जो बैंड है उस पर भी चाइना के कुछ चैनल चलते हैं कभी कभार, इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आता है कभी कभी तो उनकी मतलब समझ नहीं आती क्योंकि उसकी चाइनीज़ भाषा में उनके प्रोग्राम जो चलते हैं। और एक बात देखने वाली ये है, चाइना रेडियो इंटरनेशनल पे जो गाने चलते हैं वो हमारे हिंदुस्तान वाले ही चलते हैं, हिंदी गाने पंजाबी जो भी हैं, ज़्यादातर मैंने उस पर हिंदी हमारा जो गाने हैं वही चलते हुए उस पर देखे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के रेडियो या कोई बाहर के रेडियो चैनल सुनना चाहें, आपके रेडियो कवर नहीं करता उस नेटवर्क को, तो मैं आपको एक सजेशन बताता हूँ। तो आप कहीं भी हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, UP से किसी भी स्टेट से हैं, तो वहीं पर भी आप उन चैनल को सुन पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक, आपके पास मोबाइल हर इंसान के पास है और जो रेडियो का शौक़ रखते हैं, जो है अपनी भाषा के अंदर प्रोग्राम सुनना चाहते हैं और यहाँ पर उनको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। तो उसके लिए क्या है कि आपको अपने मोबाइल के अंदर ऑल इंडिया ऐप या विविध भारती ऑनलाइन, तो आपको प्ले स्टोर के अंदर जाकर आपको विविध भारती रेडियो लिखना है, विविध भारती रेडियो ऐप जो है आपके सामने आ जाएगा, हरे रंग के अंदर ये शो करेगा, आपको साइड में दिख भी रहा होगा। तो ये वाला आप रेडियो डाउनलोड करें, ये वाला आप जब आप डाउनलोड करेंगे तो इस पर 5-6 अलग अलग से डब्बे बने हुए आ रहे होंगे आपके पास, शो करा होगा। पहले डब्बे में नीले रंग का है जो उसमें जो आपने ओपन किया है इस रेडियो को, देखिए हरे रंग में ओपन हो रहा है। तो इसके बाद में ये नोट एंड आपको अलग अलग बॉक्स दिख रहे हैं, इसमें पहला जो है वो AIR का आपको दिख रहा है, तो मैं इसको पहले पर जाते हैं। पहले इस पर हम गए तो इसमें वहाँ हमारे को सबसे पहले मिलता है विविध भारती FM रेनबो दिल्ली,
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दमन एंड दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। तो ये अलग अलग स्टेट दी हुई हैं। इस स्टेट के अंदर जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, मान लो कि आप राजस्थान में रहते हैं, जैसे ये राजस्थान को आपने ओपन किया, तो आपको इसके अंदर राजस्थान के जितने भी सरकारी रेडियो चैनल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। जैसे इनका पहले भी शो कर रहा है AIR अलवर, AIR बांसवाड़ा, बम्बेर, बीकानेर, चूरू, जयपुर, जयपुर BSB, यानी BSB का मतलब विविध भारती, AIR जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर यानी कि AIR का है और एक FM का है, जिस पर यानी कि FM को प्रसारित करते हैं ये, कोटा, माउंट आबू, नागपुर, स्वामी माधोपुर, सूरतगढ़, उदयपुर और उदयपुर FM। ये जो चैनल है ये सारे राजस्थान के सरकारी रेडियो स्टेशन है AIR के। और अगर आप पंजाब से हैं तो जैसे ही आप पंजाब को ओपन करेंगे, आपको बठिंडा AIR, जलंधर पंजाब पंजाबी और पटियाला, और एक हमारा और स्टेशन है AIR चंडीगढ़, जो कि थोड़ा सा इस ऐप के अंदर बाहर ही दिया हुआ है, ये वाला देख सकते हैं आप। और कुछ हमारे चैनल और जो और हैं, जैसे AIR FM रेनबो, वो इस ऐप के अंदर नहीं दिया। अगर वो चैनल आप सुनना चाहते हैं तो प्रसार भारती की ऐप है ऑल इंडिया रेडियो, उस पर भी आप जा कर के, उसमें सिर्फ आपको सरकार के सरकारी रेडियो ही मिलेंगी, तो उसमें आप हर रेडियो स्टेशन को वहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे आप दिल्ली के हैं, मान लो तो दिल्ली को ओपन करेंगे तो FM गोल्ड, दिल्ली इंद्रप्रस्थ, AIR राजधानी, विविध भारती, न्यूज़ 24, AIR उर्दू और रागम। और आइए इन दो चैनलों की और बात कर लेते हैं। एक तो AIR दिल्ली राजधानी, ये चैनल जो है, मैं काफ़ी इस रेडियो पे यहाँ पर नेटवर्क आता था, यानी कि यहाँ से दिल्ली कम से कम 400-500 किलोमीटर होगी, 500 किलोमीटर है यहाँ से दिल्ली, तो यहाँ पर इस रेडियो पर ये चैनल शाम को चलता था। इस पर पंजाबी एक प्रोग्राम भी आता था, वो प्रोग्राम मुझे बहुत ही फेवरेट था। तो ये अब 4-5 साल से, यानी कि लॉकडाउन से पहले से सरकार ने ये चैनल बंद कर दिया, और इस पर FM रेडियो को प्रसारित किया जाता है, वो भी कुछ दिन मतलब सही चला, तो उसके बाद FM गोल्ड को भी इन्होंने मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया, वो सही नहीं चलता है, बंद है। और दूसरी बात करें AIR उर्दू, ये उर्दू चैनल जो था 24 घंटे चलने वाला चैनल, बहुत बढ़िया चैनल था, कुछ वजह करके ये चैनल काफ़ी समय बंद हो गया था, सिर्फ आकाशवाणी सूरतगढ़ पर ही इसका प्रसारण दिया जाता था, बाकी ऐप वगैरह पे सभी पे ये बंद था। और जल्दी से जैसे धीरे धीरे ये चैनल का इसका सिस्टम सही होता गया, तो ये अभी ऐप पर भी चलता है, वो भी इसी ऐप के अंदर ये चलता है, प्रसार भारती की ऐप में ये नहीं चलता है, वहाँ नहीं दिया हुआ है, तो हो सकता है जल्दी ही सरकार वहाँ पर इसको दोबारा से फिर डाल देते और आप तक ये चैनल पहुँच जाए। तो सरकार से मेरी यही भी बेनती करनी चाहूँगा कि ये जो AIR दिल्ली राजधानी चैनल था, इस चैनल को दोबारा वहीं से स्टार्ट कर दिया जाए, और रेडियो पे इन चैनलों को जरूर चलाएं, मीडियम वेव पर इन चैनलों का चलना ज़रूरी है। तो रेडियो एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर ये रेडियो चैनल रेडियो पर ही सुनकर अच्छा लगता है। हालाँकि मेरे पास ये ऐप है, इसमें कहीं का भी कोई भी चैनल सुन सकते हैं, पर फिर भी यही चैनल अगर रेडियो में चले तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये थी दोस्तों कुछ जानकारी आपको इन चैनल्स के बारे में, सरकारी हमारे इंडिया के चैनल्स के बारे में। तो बाकी अगर आप इससे अलग रेडियो सुनना चाहते हैं, जैसे प्राइवेट रेडियो काफ़ी आ चुके हैं, इंटरनेट रेडियो, कम्युनिटी रेडियो और बहुत सारे रेडियो हैं, रेडियो अब देखो कहें बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर रेडियो चलता है, मीडियम वेव पर चलता है, शॉर्ट वेव पर चलता है, FM पर चलता है, टीवी फ्रिक्वेंसी भी आई थी जहाँ पर इसको लागू नहीं किया, अगर चलना चाहे तो वहाँ पर भी रेडियो हम सुन सकते हैं। दूसरा ऑनलाइन माध्यम से, ऐप के माध्यम से हम अपने मोबाइल में किसी भी चैनल को कहीं पर भी सुन सकते हैं। दूसरा अपने लैपटॉप के माध्यम से भी किसी चैनल को कहीं पर भी सुन सकते हैं। और तीसरा चौथा जो माध्यम है वो है DTH के माध्यम से, अपने TV के ऊपर रिसीवर लगा हुआ है तो उसमें काफ़ी सारे चैनल जो इंटरनेशनल चैनल हैं हमारे, तो वो चैनल उस पर दिए हुए हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में जो चैनल नहीं है वह चैनल भी हमारे उस DTH पर
आ जाएंगे तो आप वहाँ पर भी सभी चैनल का अपनी भाषा में उनका आनंद ले सकेंगे। तो आइए अभी हम दूसरी ऑप्शन में चलते हैं जहाँ पर FM रेडियो लिखा हुआ है। तो इसको जैसे ही हम ऑफर करेंगे, हमारे पास हिंदी रेडियो, इंग्लिश रेडियो, स्पोर्ट्स रेडियो, भक्ति रेडियो, बंगला रेडियो, मराठी रेडियो, ओडिया रेडियो, नागपाली रेडियो, उर्दू रेडियो, पंजाबी रेडियो, BBC और रेगुनेशनल रेडियो और भी काफ़ी FM है, आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो जैसे आप हिंदी रेडियो के अंदर जाते हैं, पहली ऑप्शन के अंदर, इसमें आप गए तो आपको क्या है, यहाँ पर मिलता है रेडियो मिर्ची हिंदी, बिग FM 1.6.2 FM। ये जो है बिग FM है, रेडियो नमकीन इसकी फ्रिक्वेंसी नहीं दी हुई है, रेडियो मन 90.8 FM। ये सभी जो है FM पर हैं और इनकी ऐप भी है इसमें। और वागड़ रेडियो राजस्थान का रेडियो है 90.8, ये भी बहुत बढ़िया रेडियो, बहुत अच्छा प्रसारण देते हैं, मैंने सुना है इस रेडियो को काफ़ी बार। और इस रेडियो के बारे में मुझे आकाशवाणी सूरतगढ़ में काम कर रहे हमारे आदरणीय सर राजेश चड्डा जी, जिनका आपने मिट्टी दी खुशबू प्रोग्राम सुना होगा, तकरीबन बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, अभी कुछ 3-4 महीने पहले वो रिटायरमेंट हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया नेचर में उनके पास गया था मिलने के लिए, तो बहुत गुड पर्सन है वो। तो उन्होंने मुझे इस रेडियो के बारे में बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि राजस्थान के अंदर वागड़ रेडियो, जो कि राजस्थानी भाषा में सारा ज़्यादा प्रोग्राम जो है इनका राजस्थानी भाषा को लेकर होता है, तो बहुत ही बढ़िया प्रसारण है इनका। और इनके लिए भी मैं दुआ करूँगा कि परमात्मा इनको बहुत अच्छे से रखें और इनका रेडियो दिनों दिन तरक्की करता जाए। और इसमें बहुत सारे रेडियो पड़े हैं, आप देख सकते हैं एशियन स्टार, ये बाहर का रेडियो है, बहुत बढ़िया हिंदी में प्रसारण देते हैं सारा गाने वगैरह जो भी आप सुनना चाहें, बहुत अच्छे रेडियो इसमें सारे। और दूसरे ऑप्शन में हम चलते हैं जैसे उर्दू, इसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो रेडियो चैनल हैं उनकी, जैसे इस्लामाबाद स्टेशन इसमें दिया हुआ आप देख सकते हैं, और इधर आपको साइड में भी दिख रहा होगा इस्लामाबाद, इन्होंने यहाँ पर फ्रिक्वेंसी नहीं दी हुआ है, ये मतलब फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ पर 1200-1400 के बीच में ये इस्लामाबाद स्टेशन इनका रेडियो पर भी चलता है मीडियम वेव पर। और इनके ये जो चैनल है रेडियो पर तकरीबन मीडियम वेव पे चलते हैं, और इन्होंने सारे चैनल जो है FM पर भी ये डाले हुए हैं, तो FM का थोड़ा जो है ट्रांसमीटर होता है वो छोटे होते हैं, तो इनका ज़्यादा बस 50 वाट का वो 35 किलोमीटर का नेटवर्क देता है, तो हमारा 25 किलोमीटर से तो यहाँ बाउंड्री है, तो उससे आगे पता ना कितनी दूर इनका ट्रांसमीटर होगा, तो यहाँ पर पूरा नेटवर्क नहीं आ सकता है। पेशावर, लाहौर, मुल्तान के इनके दो स्टेशन हैं 90.3 और मीडियम वेव पे भी हैं इनका, कराची भी है, और कुछ इनके प्राइवेट चैनल जो हैं सुनो FM 89.4, ये जो चैनल है रेडियो वे काफ़ी बार चलता है, तो ये ट्रांसमीटर शायद इनका काफ़ी बड़ा है, तो इनका जो जब नेटवर्क आता है तो बहुत बढ़िया आता है और बहुत बढ़िया ये प्रसारण देती है। और दूसरा इनका चैनल है सिटी FM 89.0, ये चैनल भी इनका रेडियो पे चलता है, मैंने काफ़ी बार चलाया है। वर्ल्ड सर्विस, ये चैनल भी इनके बहुत बढ़िया चैनल, आप देख सकते हैं आपको दिख रहा हो स्क्रीन पे। तो अगर पाकिस्तान चैनल भी आप सुनना चाहें, तो चाहे हम दूर हैं या कुछ भी है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर जो है पाकिस्तानी चैनल सुन सकते हैं। और इसके साथ बात करेंगे जो पंजाबी भाई हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में जहाँ भी बैठे हैं, पंजाबी गाना सुनना चाहते हैं, तो ये जो आप जाएंगे लास्ट से BBC लंदन से पहले आपको ये पंजाबी रेडियो लिखा हुआ मिलेगा, तो यहाँ इसमें पंजाबी रेडियो दिए, ये नॉन स्टॉप गुरबाणी और गीत संगीत का आप फुल मज़ा यहाँ से ले सकते हैं, कहीं पर भी सुन सकते हैं, पंजाबी रेडियो बहुत बढ़िया प्रसारण देते हैं। और अब बात करूँ मैं हरियाणा के भाइयों के लिए रेगुलेशन रेडियो दिया हुआ है, इसके अंदर जब आप जाएँगे तो आपको ऊपर दो हरियाणवी रेडियो मिलेंगे, जिन पर रागनी, हरियाणवी गीत संगीत, फिल्मों का संगीत आप सुन सकते हैं, बहुत बढ़िया ये जो है प्रसारण देते हैं। इसमें एक जयपुर का रेडियो स्टेशन भी है राजस्थान का वो भी, और इसमें 2-3 चैनल और हैं हरियाणा के, जिसमें हरियाणवी गीत संगीत आप 24 घंटे का भी कहीं पर भी सुन सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप भक्ति संगीत सुनना चाहते हैं, तो ये भक्ति चैनल आपको दिया हुआ है, डिस्प्ले में डिस्प्ले आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हनुमान भक्ति, कृष्णा भक्ति, राम भक्ति और शिवा भक्ति, गणेश भक्ति, तो कई बार सभी धर्मों के यहाँ पर आपको साईं बाबा और कुरान रेडियो, हरिमंदर साहिब, जेसू लाइव रेडियो, तकरीबन सभी धर्म के आपको रेडियो यहाँ मिलते हैं। और आप कभी भी 24 घंटे भी अगर चाहें, दिन में भी आप कभी भी मतलब धार्मिक संगीत भी अगर सुनना चाहें, तो आपको इंतज़ार करने की
जरूरत नहीं है कि शाम का टाइम होगा तो हम भक्ति संगीत सुनेंगे। इन रेडियो पे आप जाकर के आप भक्ति संगीत 24 घंटे कभी भी सुन सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो अपने दोस्त बबलू वर्मा को दे इजाज़त, जल्द ही आपके लिए कुछ ना कुछ नई खोज करके फिर वापस आ रहे हैं। जय हिंद।